बिस्मिल रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। चैप्टर नंबर है आपका 4, डिफरेंट प्रिंटिंग डिवाइसेस। इस चैप्टर में हम प्रिंटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में सेव डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए एक पेज पर हार्ड कॉपी में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस लेक्चर में हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 22 से पेज नंबर 24, और टॉपिक्स होंगे हमारे टोनर बेस्ड प्रिंटर टू पेन बेस्ड। इसके अलावा क्लास हम रीडिंग के अलावा बुक वर्क भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास रीडिंग की तरफ आए। क्लास पेज नंबर 22, यूनिट नंबर 4, डिफरेंट प्रिंटिंग डिवाइसेस। प्रिंटर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द कंप्यूटर। प्रिंटर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स की एक हार्ड कॉपी तैयार कर सकें। ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होते हैं। क्लास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का डिफरेंस आपको पहले से पता होगा। सॉफ्ट कॉपी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं जो जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होती हैं, जबकि हार्ड कॉपी जिसे हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, जिनका कुछ मैस होता है, जिस तरह कि आपका कोई पेपर। प्रिंटर्स आर लोकल डिवाइसेस। प्रिंटर्स क्या हैं? हमारी लोकल डिवाइसेस हैं, मतलब जिसे हम कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। प्रिंटर्स, अगर आपने प्रिंट लेना है किसी डॉक्यूमेंट का तो प्रिंटर का होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेना और ना भी प्रिंटर होगा तब भी आपका कंप्यूटर अच्छे से काम कर लेगा। एंड आर अटैच टू द कंप्यूटर वाया प्रिंटर केबल। और ये कंप्यूटर के साथ किस तरह अटैच होते हैं? एक प्रिंटर केबल के साथ। कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, या तो वो वायरसिस्ट अटैच होती है या वायरलेस होती है अटैच, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे कंप्यूटर के साथ अटैच होना ज़रूरी है ताकि वो कंप्यूटर के साथ काम कर सके। नेक्स्ट, अब उन्होंने डिफरेंट प्रिंटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जो उन्होंने कैटेगरी बताई है वो है टोनर बेस्ड प्रिंटर। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा टोनर बेस्ड प्रिंटर में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते होंगे, टोनर का। दे आर एक्चुअली लेज़र प्रिंटर डेट यूज जीरोग्राफिक टेक्नोलॉजी। टोनर बेस्ड प्रिंटर क्या है? लेज़र प्रिंटर हैं जो कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? जीरोग्राफिक टेक्नोलॉजी। टोनर इज़ अ पाउडर। टोनर क्या है? एक पाउडर है, ठीक है, आपने इसके नाम से ही ध्यान रखना है, टोनर इज़ अ पाउडर। यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर एंड फोटोकॉपियर्स टू फॉर्म द प्रिंटिंग प्रिंटेड टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन द पेपर इन जनरल विद अ टोनर कार्ट्रिज। टोनर क्या है? एक पाउडर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को प्रिंट करने में, इसके अलावा इमेजेस को पेपर पे या किसी चीज़ पर प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमें प्रिंटर की टाइप बताई गई है वो है लिक्विड इंकजेट प्रिंटर। दिस प्रिंटर ऑपरेट्स बाय प्रोपेलिंग स्मॉल साइज ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इंक ऑन द पेज। ये प्रिंटर किस लिए इस्तेमाल, किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको किस तरह ऑपरेट किया जाता है? ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे लिक्विड इंक के जो ड्रॉप्स होते हैं, उन्हें पेज पर स्प्रे करने के लिए या उसको प्रोपेलिंग के लिए जरिए हम ये ऑपरेट करते हैं। अ टिपिकल इंजेक्ट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस कॉपी विद द रेजोल्यूशन ऑफ एटलीस्ट 300 डॉट्स पर इंच। अब इन्होंने बताया है कि जो टिपिकली तौर पे एक इंकजेट प्रिंटर है वो जो इसकी रेजोल्यूशन है वो है 300 डॉट्स पर इंच। एक इंच पर कितने डॉट्स होते हैं? 300। अब आ जाए अपने नेक्स्ट पेज पर, सॉलिड इंकजेट प्रिंटर्स। दिस प्रिंटर यूज अ थर्मल ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ये प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? थर्मल ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का। दे वर्क बाय मेल्टिंग वैक्स बेस्ड इंक एंड देन स्प्रिंग देम ऑन पेपर। ये किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वैक्स का, ठीक है, वैक्स को पिघला दिया जाता है, उसके बाद उन्हें पेपर पर स्प्रे कर दिया जाता है। सॉलिड इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस वेरी वाइब्रेंट कलर्स एंड कैन प्रिंट ऑन
नियरली एनी सरफेस। जो सॉलिड इंजेक्ट प्रिंटर है वो बहुत ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उनसे हम बहुत ज़्यादा कलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी सरफेस के ऊपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंटर की कैटेगरी है वो है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। दिस काइंड ऑफ प्रिंटर यूज़ हीट टू ट्रांसफ़र डाई टू अनदर मीडियम सच एज पेज और प्लास्टिक कार्ड। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हीट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ पर, चाहे वो हमारे पास कोई पेपर हो या कोई प्लास्टिक कार्ड हो, उसके ऊपर टेक्स्ट या इमेज का प्रिंट लेने के लिए। दी प्रिंट फोटोग्राफिक क्वालिटी स्नैपशॉट, ठीक है, जिस तरह कि हम किसी चीज़ की फ़ोटो प्रिंट करवाते हैं उनकी रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है, वरना पिक्चर अच्छी नहीं आती। ये भी बिल्कुल फ़ोटोग्राफिक क्वालिटी की तरह ही बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की प्रिंट आउट निकालते हैं। मोस्ट स्नैपशॉट प्रिंटर्स रिक्वायर्ड स्पेशल पेपर एंड यूज डाई सब्लिमेशन थर्मल ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस वाइब्रेंट कलर्स। अगर आप लोग देखें तो आपके जो पेपर का साइज़ होता है, चाहे वो आपको कॉपी का हो या स्कूल में जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको पेपर मिलता है उसका देखें, या जो भी हम प्रिंटर से इमेज प्रिंट करवाते हैं उसका पेपर देखें, और आप किसी फ़ोटो कंपनी का किसी पिक्चर का प्रिंट देखें, तो उन दोनों के पेपर में फ़र्क होगा, ठीक है, क्योंकि हम पिक्चर के लिए एक स्पेशल किस्म का पेपर इस्तेमाल करते हैं। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर में भी उसी स्पेशल पेपर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप सिंपल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंटर की कैटेगरी है वो है इंकलेस प्रिंटर्स। इंकलेस नाम से ही पता है कि हम इसमें क्या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दीज प्रिंटर्स डू नॉट यूज़ इंक फॉर प्रिंटिंग। ये प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए इंक का इस्तेमाल नहीं करते। दे यूज़ द थर्मल एंड यूवी टेक्नोलॉजी। ये किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? थर्मल टेक्नोलॉजी। थर्मल टेक्नोलॉजी में हमेशा हीट यूज़ होती है, और यूवी टेक्नोलॉजी इसमें लाइट यूज़ होती है। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्लास हमेशा एक टाइपराइटर, जो हम आपने कभी देखा होगा टाइपराइटर किसी मूवी में या कार्टून्स में, तो उन्हीं वही टाइपराइटर की तरह ही हमारा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें हम टाइप करते जाते हैं और उसके साथ साथ टेक्स्ट प्रिंट होता है। डेजी व्हील प्रिंटर में हम लोग सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी इमेज का प्रिंट नहीं ले सकते। अब इसको रीड कर लेते हैं। दीज प्रिंटर फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाइपराइटर। देखिए, उन्होंने यहाँ पर भी बता दिया है कि ये प्रिंटर का फंक्शन किस पर है, टाइपराइटर के प्रिंसिपल पर। दे प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी टाइप, ठीक है, कि ये सिर्फ लेटर ही प्रिंट कर सकते हैं। दिस प्रिंटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ बॉल हेड प्रिंटर। अब आ जाए अपने नेक्स्ट पेज पर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर प्रोड्यूसेस करेक्टर्स एंड इलस्ट्रेशन बाय स्ट्राइकिंग पिंक अगेंस्ट ऑन एन इंक रिबन टू प्रिंट क्लोजली स्पेस डॉट्स इन द अप्रोप्राइट शेप। इसमें क्या करते हैं, हम पिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये पिंस बहुत पास पास एक दूसरे के लगी होती हैं, ठीक है। इसके बाद इन पिंस को एक इंक रिबन के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, और उसके बाद ये वो प्रिंट क्या हो जाता है, एक पेपर के ऊपर उनका प्रिंट आ जाता है। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। दिस काइंड ऑफ प्रिंटर प्रिंट्स एन एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट वन लाइन। लाइन से ही पता नाम इसके नाम से ही पता है, लाइन प्रिंटर मतलब ये पूरी लाइन को प्रिंट कर देगा एक ही वक्त में। आज हाई स्पीड लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट एज मैनी एज 3000 लाइन पर मिनट्स, ठीक है, कि उन्होंने बताया कि लाइन प्रिंटर जो है जिसकी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है वो 3000 लाइन्स एक मिनट के अंदर प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट में जो हमारा लास्ट टॉपिक है, पेन बेस प्लॉटर। इट यूज़ द वेक्टर ग्राफिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर ग्राफिक टेक्नोलॉजी। वेक्टर में क्लास हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, इसके अलावा हमें इसे बताना ये भी बताना पड़ता है कि कितनी रेजोल्यूशन की इमेज प्रोड्यूस करें या टेक्स्ट प्रोड्यूस करें। एंड ऑपरेट्स बाय मूविंग अ पेन ऑन सरफेस ऑफ पेपर। और इसको किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है, जब हम पेन को पेपर के ऊपर स्प्रे करते हैं, हम नहीं करते, ये मशीन होती है वो स्प्रे करती है, हमने सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। ये थी क्लास आपकी चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग। अब आप आए अपने।
अब आप आए पेज नंबर 25 पर। चूज द बेस्ट ऑप्शन। दे आर यूजुअली लेजर प्रिंटर। ऑप्शन 1 टोनर बेस्ड, ऑप्शन 2 लिक्विड इंजेक्ट और ऑप्शन 3 सॉलिड इंजेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका टोनर बेस्ड। टोनर बेस्ड क्या है? लेजर प्रिंटर। सेकेंड एमसीक्यू है आपका टोनर बेस्ड प्रिंटर यूज डैश टेक्नोलॉजी। ऑप्शन 1 ज़ीरोग्राफिक, ऑप्शन 2 ग्राफिक, ऑप्शन 3 मैग्नेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ज़ीरोग्राफिक। नेक्स्ट एमसीक्यू इज दिस प्रिंटर ऑपरेट बाय प्रोपेलिंग स्मॉल साइज ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इंक ऑन द पेज। ऑप्शन टोनर बेस्ड, सेकेंड ऑप्शन लिक्विड इंजेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन सॉलिड इंजेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका लिक्विड इंजेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका दिस प्रिंटर यूज अ थर्मल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन टोनर बेस्ड, लिक्विड इंजेक्ट एंड सॉलिड इंजेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सॉलिड इंजेक्ट। फिफ्थ एमसीक्यू, दिस प्रिंटर यूज हीट टू ट्रांसफर डाई टू अनदर मीडियम। ऑप्शंस डेजी व्हील, डाई सब्लिमेशन, इंकलेस। करेक्ट ऑप्शन है डाई सब्लिमेशन। सिक्स एमसीक्यू है क्लास, दिस प्रिंटर डू नॉट यूज इंक फॉर प्रिंटिंग। ऑप्शंस डेजी व्हील, डाई सब्लिमेशन या इंकलेस। करेक्ट ऑप्शन है आपका इंकलेस। सेवेंथ एमसीक्यू है, दिस प्रिंटर्स फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाइपराइटर। ऑप्शंस लेजी व्हील, डाई सब्लिमेशन या इंकलेस। तो क्लास करेक्ट ऑप्शन है डेजी व्हील। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन दिस काइंड ऑफ प्रिंटर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक आर यूज्ड टू फॉर्म अ लार्ज इमेज। ऑप्शंस डेजी व्हील, डाई सब्लिमेशन या इंकलेस। तो क्लास करेक्ट ऑप्शन है डाई सब्लिमेशन। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 26 पर। मार्क एज ट्रू और फॉल्स। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स आर यूजुअली लेजर प्रिंटर्स। फॉल्स टोनर बेस्ड प्रिंटर्स आर यूजुअली लेजर बेस्ड प्रिंटर्स। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टोनर बेस्ड प्रिंटर यूज ज़ीरोग्राफिक टेक्नोलॉजी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट इज सॉलिड इंजेक्ट प्रिंटर यूज अ मैग्नेटिक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट इज इंकलेस प्रिंटर डू नॉट यूज इंक फॉर प्रिंटिंग। दैट्स ट्रू। फिफ्थ स्टेटमेंट इज इंकलेस प्रिंटर्स यूज अ थर्मल एंड यूवी टेक्नोलॉजी। ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सिक्स्थ स्टेटमेंट इज लाइन प्रिंटर प्रिंट्स एन एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट वन टाइम। ट्रू। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सेवेंथ स्टेटमेंट इज पेन बेस्ड प्लॉटर्स यूज द स्केलर ग्राफिक टेक्नोलॉजी। फॉल्स। नेक्स्ट आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स पर। पेज नंबर 26 पर ही मौजूद है। लिक्विड इंजेक्ट प्रिंटर्स ऑपरेट बाय डैश स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इंक। प्रोपेलिंग। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज डैश इंजेक्ट प्रिंटर यूज अ थर्मल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर इज सॉलिड। सॉलिड इंजेक्ट प्रिंटर यूज अ थर्मल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। थर्ड फिल इन द ब्लैंक इज इंकलेस प्रिंटर यूज द थर्मल एंड डैश टेक्नोलॉजी। आंसर इज यूवी। इंकलेस प्रिंटर यूज द थर्मल एंड यूवी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डेजी व्हील फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। बॉल हेड टाइपराइटर। आंसर इज बॉल हेड टाइपराइटर। डेजी व्हील फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉल हेड टाइपराइटर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज डैश प्रिंटर
Small drops of ink are used to form a larger image. Answer is dye sublimation. Dye sublimation printers, small drops of ink are used to form a larger image. Next is pen-based plotter use the dash graphic technology. And the answer is vector. Pen-based plotter use the vector graphic technology. Next, fill in the blank is dash plotter operates by moving a pen on surface of paper. Answer is pen-based plotters. Pen-based plotters operate by moving a pen on surface of paper. नेक्स्ट है, यहाँ पे क्लास आपका बुक पर खत्म होता है. अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज प्रिंटर. आंसर, प्रिंटर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टोर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर थ्री, विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूज द जीरोग्राफिक टेक्नोलॉजी. आंसर, टोनर बेस्ड प्रिंटर यूज द जीरोग्राफिक टेक्नोलॉजी. Question number 4. Which types of printer operates by propelling small size droplets of liquid ink on the paper? Answer. Liquid inject printer operates by propelling small size droplets of liquid ink on the paper. Question number 5. Which printer uses thermal transfer technology? Answer. Solid inject printer use thermal transfer technology. Question number 6. Describe dye sublimation printer. First of all, you must add a heading, then write the description. These kinds of printer use heat to transfer dye to another medium such as page or plastic card. Question number 7. Which printers function on the principle of typewriter? Daisy wheel printers functions on the principle of typewriter. Question number 8. What are pen-based plotter? Answer. It uses the vector graphic technology and operates by moving a pen on the surface of paper. ये थे क्लास आपके क्वेश्चन आंसर्स. उम्मीद है आपने इन्हें अपनी कॉपीज पर उतार लिया होगा और बुक पर भी अपनी कॉपीज पर कंप्लीट कर लिया होगा. ओके क्लास, यहीं पे हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है. अल्लाह हाफिज़.